हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्म है इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो पहले देखते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहाँ से आया है। तो एज़ यू फेमिलियर विद, जैसा कि आप सारों को पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, विच इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो ये वाला जो फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसकी नेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास चार रूल्स हैं। लाइक हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यूज़ लेके हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। जब कोई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी तो उसको देखते हुए हम इस इक्वेशन के रूट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी चार स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर निकालते हैं अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर का, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। एज सारे बच्चे जैसे जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर चंद जैसे नंबर्स का लिया जा सकता है। टू का स्क्वायर लाइक फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 और इसी तरह ये सो ऑन। तो ये वो नंबर्स हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ये नंबर्स आ जाएं तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये नंबर नहीं आते, यानी कि इसका वो सॉल्व करने से अगर ये आंसर नहीं आता, तो इट मीन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है फाइव। यहाँ से आप देखें कि फाइव ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो इसमें जो रूट्स की नेचर होगी, नेचर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन, इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे जी हमारे पास इरेशनल, इरेशनल मीन रियल नॉट इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये थी जी पहली कंडीशन, ठीक है। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जो सेकंड कंडीशन है वो इसी तरह ही है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो हो बट परफेक्ट स्क्वायर हो, स्क्वायर आ जाए। क्या मतलब है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, कोई पॉजिटिव वैल्यू हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक फोर में हो सकती है, नाइन हो सकती है, सिक्सटीन हो सकती है, लाइक फोर हो सकती है, सिक्सटीन हो सकती है, नाइन हो सकती है, ट्वेंटी फाइव हो सकती है। तो उस टाइम उनकी जो नेचर होगी रूट्स की वो कुछ होगी, उसमें होंगे ये रैशनल, रैशनल में रियल नंबर्स एंड अनइक्वल। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर इस तरह के परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता है तो उसके रूट्स जो होते हैं रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड कैटेगरी है कि अगर आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और वो इक्वल आ गया है ज़ीरो के, देन आपके पास जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। फोर्थ वन जो कैटेगरी है वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन ज़ीरो हो, मीन कोई माइनस में वैल्यूज़ हो, लाइक माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री,
इस तरह की कोई वैल्यूज आ जाएं, तब आपके पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस तरह आप लोग आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसकी रूट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए इसकी एक एग्जांपल प्रैक्टिस करके देखते हैं। लाइक हम एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्क फाइंड करना है एंड हमें नेचर ऑफ द रूट्स वो भी डिस्कस करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। एज यू कैन सी के एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन ए की वैल्यू जो है वो वन होगी यहाँ से। इसी तरह बी की जो वैल्यू है वो होगी माइनस फाइव। होप सो ये साइन जो है ये लाजमी इंक्लूड करना है, और सी की वैल्यू आ जाती है थ्री। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम डिस्क अप्लाई करते हैं। डिस्क इज इक्वल टू फोर स्क्वायर माइनस फोर ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं जिसमें बी स्क्वायर माइनस फाइव उसका स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू एज यू कैन सी वन है एंड सी की वैल्यू थ्री है, तो इसमें पुट करते हैं। माइनस फाइव का स्क्वायर अगर इवन नंबर आ जाए स्क्वायर पावर में, तो जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई अगर कोई चीज़ माइनस में भी है तो वो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। लाइक इसका आंसर आएगा 25 माइनस फोर वन सर फोर एंड थ्री फोर थ्री बार 12। तो डिस्क जो आई वो हमारे पास आया 13। नाउ यू कैन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, अपने पीछे वाला कॉन्सेप्ट देखें कि ये जो 13 है, एक तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी कि इसके जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो जो नेचर है रूट्स की वो क्या होगी जी, इरेशनल मीन रियल एंड अनइक्वल। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेसन आपको समझ आया होगा, और इसी तरीके से आप बाकी सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड के पैटर्न में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं समटाइम टू मार्क्स का कि आप ओनली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, तो उसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है लाइक दिस, उसके आपने रूट्स को भी डिस्कस करना है, तो उसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है देन उसकी रूट्स की नेचर भी बतानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।